तो बच्चों इसके पहले कुदरती आफात इस सबक में हम ये देख चुके हैं कि बेमौसम बारिश और सैलाब किसे कहते हैं और इनसे होने वाले नुकसान को जान चुके हैं अब इसके बाद हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि जलजला किसे कहते हैं जलजला ज़मीन के अंदर चट्टानों में हरकत होती रहती है जिसकी वजह से अचानक चट्टानों की तह में लहरें पैदा होती हैं इसको हम इस मिसाल से अच्छी तरह समझ सकेंगे कि जब हम तालाब के किनारे जाते हैं तो हम तालाब में पत्थर मारते हैं तो हम इसमें देखते हैं कि गोल दायरानुमा लहरें पैदा होती हैं जो तालाब के किनारे तक आती हैं और कुछ देर बाद ये लहरें थम जाती हैं और पानी पहले की तरह साकिन हो जाता है बिल्कुल इसी तरह की लहरें ज़मीन के अंदर पैदा होती हैं कुछ लम्हों तक ज़मीन हिलती है इसे जलजला कहते हैं इसके बाद ज़मीन पुरसकून हो जाती है जहाँ जलजला आता है वहाँ के मकान लरस जाते हैं घर की चीज़ें धड़ाधड़ गिरती हैं कच्चे और पुराने मकाना तो ढह जाते हैं और ढेर में तब्दील हो जाते हैं इन मकाना के साथ साथ इंसान भी इसमें हलाक होते हैं कई लोग जख्मी होते हैं जलजले के मरक़ के करीब ज़्यादा नुकसान होता है जलजले में बहुत ज़्यादा पालतू जानवर भी मरते हैं या फिर जख्मी होते हैं जलजला आने पर ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए जलजला चंद सेकंड के लिए रहता है जलजला आने पर हम पर आसपास की वज़नी चीज़ें गिर सकती हैं इसलिए इंसान हालांकि या ज़ख्मी होते हैं जब हमें ऐसा लगे कि जलजला आ रहा है तो किसी पलंग या मेज़ के नीचे बैठ जाएं या दरवाज़े की चौखट के बीच खड़े रहें जिसकी वजह से जिस्म पर कोई वज़नी चीज़ गिरने का और ज़ख्मी होने का इम्कान कम हो जलजला रुकने के बाद खुले मैदान में या खुली जगह जाकर जमा होना चाहिए इसके बाद हम देखेंगे कि सुनामी किसे कहते हैं जिस वक्त समंदर में जलजला आता है इस वक्त जलजले की वजह से समंदर में बहुत बड़ी बड़ी लहरें पैदा होती हैं एक एक लहर तीन चार मंजिला इमारत की बुलंदी के मसावी हो सकती हैं ये लहरें बहुत तेज होती हैं और आकर साहल से टकराती हैं इन लहरों को सुनामी कहते हैं साहिल पर इंसानों की बस्ती आबाद हो और वहाँ पर सुनामी आ जाए तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है इन लहरों में इंसान या जानवरों को इस पानी में डूब कर के अलावा कोई जारा नहीं होता सुनामी की लहरें इतनी ताकतवर होती हैं कि इंसानों के साथ साथ साहिल पर मौजूद गाड़ियाँ वगैरह इसके साथ बहकर चली जाती हैं सुनामी के ज़ोर से साहिल पर बने घर और दुकानें गिर सकती हैं तो बच्चों आप समझ चुके होंगे कि जलजला और सुनामी किसे कहते हैं और इससे होने वाले नुकसान को जान चुके होंगे शुक्रिया